मैं चाहता हूं कि ये ब्रिलियंट अवार्ड जो मुझे मिला है, इस अवार्ड की कृपा मुझ पे हो और कहीं ना कहीं मेरा परफॉर्मेंस भी थोड़ा बहुत ब्रिलियंट हो सके तो मैं समझूंगा कि इस अवार्ड का आशीर्वाद कृपा मुझ पे हो गई, परमात्मा की कृपा मुझ पे हो गई। बाय द टाइम सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, जो लोगों को सम्मान देते हैं, अवार्ड देते हैं, ऐसे हमारी पूरी टीम को धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि यह सिलसिला चलता रहे, अवार्ड और रिवॉर्ड कलाकार को मिलता रहे, क्योंकि आजकल के ज़माने में सम्मान लौटाने वालों की कमी नहीं है, देने वालों का सम्मान देने वालों की कमी है। और सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है, लौटाने वालों की कमी नहीं है। एक बार जोश में आके मैं भी लौटाने चला गया था, गेट पर जाके पहुँच के याद आया मुझे, माई गॉड कि जो चीज़ मैं लौटाने आया हूँ सम्मान, वो तो मेरे पास है ही नहीं। अब मुझे सम्मान मिला है, मैं कोशिश करूँगा। जोक से पार्ट, सबको अवार्ड मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और जिनको नहीं मिला उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अगले साल मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं, और ख़ासकर जब हम अंधेरी में हैं तो बिल्कुल ही अंधेर नहीं। मैं खाकसार जाहिद अली स्पेशली शुक्रगुजार हूँ तमाम इस मुनक़द करदा मुंतज़मीन का जिन्होंने ये अवार्ड फंक्शन कायम किया है। और ब्रिलियंट अवार्ड जब दिया जाता है तो ये एक फ़नकार को और भी ज़िम्मेदार बना देता है। इट मेक्स मी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू द मासेस टू प्रेजेंट माई टैलेंट, टू एक्सप्लोर माई टैलेंट, टू एक्सप्लॉइट माई टैलेंट मोर एंड मोर। एंड आई कैन जस्ट से कि इंशाल्लाह उल अज़ीज़ मैं इससे और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स। इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल जिसका मैं चेयरमैन हूँ, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि आज हमारा पहला ब्रिलियंट अवार्ड्स हुआ। इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल जो है वो यंग आर्टिस्ट और ऑल्सो एस्टैब्लिश आर्टिस्ट को प्रमोट करता है। काफ़ी सालों से भी 4 साल हो गए हमारे इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल को, 2 साल तो कुछ नहीं हुआ बिकॉज ऑफ पैंडमिक, पर अभी हमने फिर से शुरुआत की है अवार्ड शो। और काफ़ी लोग आए आज पूरे हिंदुस्तान से, जस्ट इट्स वंडरफुल टू सी ऑल ऑफ देम कम टुगेदर। एक शुरुआत हुई है अभी एक नए साल की, आई वुड से सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। आर्टिस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं पे अंदर से अपने आप को ये जाना चाहता है कि वो ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट बनेगा आगे जा करके, एंड दिस अवार्ड इज़ टू रिप्रेजेंट दैट। जो इंसान आगे बढ़ के ब्रिलियंट होगा या ऑलरेडी ब्रिलियंट है, इन दोनों टाइप के इंसानों को हमने अवार्ड दिया है, बच्चों से लेकर के बड़ों तक सब आए थे, एंड इट जस्ट फील्स अमेजिंग टू बी अवार्डिंग दैट। हरीश सर से मेरा रिश्ता ऑलमोस्ट 7 साल से है, हम लोग साथ में जुड़े बिकॉज इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल। काफ़ी हमने इवेंट्स किए इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी, बाद में पैंडमिक आया तो बंद हो गया, पर लेकिन डेफिनेटली यही बात है कि ही इज़ अ वेरी एंटरप्राइजिंग पर्सन, ही इज़ द वन हु ब्रॉट इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल टू इंडिया। उन्होंने शुरुआत की इस पूरे एसोसिएशन की और मुझे साथ में जोड़ा, सो आई फील प्रिविलेज फॉर इट। ये आर्ट में कोई भी आर्ट है, कोई भी किसी का भी आर्ट? सो इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल वे प्रमोट ऑल टाइप्स ऑफ आर्टिस्ट, बी डांसर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, आप में जिस भी तरह का टैलेंट हो, इवन बींग एन एक्टर और मिमिक्री आर्टिस्ट, कोई भी हो आपके पास, आप जो भी टैलेंट हो, यू शुड बी एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट एट हार्ट, आर्टिस्ट विद पैशन प्रोफेशन। अगर आप उस में हैं तो आप इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल का हिस्सा बन सकते हैं। तो कैसे कनेक्ट हो आपके पास, अगर मैं आर्टिस्ट तो मुझे कनेक्ट करना है आपको, आपकी संस्था को कैसे करें? Well, it's very, very simple. We are on Facebook, we are on Instagram. It's very, very easy. You write an email to us as well. India Fine Arts Council ki website bhi hai. Aap humse contact kar sakte hain. And we give you opportunities to perform not only in India, but internationally also aapko mauka milta hai performance karne ka. So come and be a part of us. Aaj jo award sammanit hue, unko kya kahenge sir aap? Well, sare awardees jo the, unme definitely talent hai. और हमने उनको प्रमोट पहले भी किया है और अभी आगे भी करने वाले हैं। सो जैसे मैंने कहा, अगर आप में टैलेंट है, आप लगता है आप में टैलेंट है, प्लीज कम एंड जॉइन अस बिकॉज वी वुड लव टू टेक यू ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार।
Well, today on this award function, India Fine Arts Council और Film Today, इन लोगों ने आज जो ये अवार्ड फंक्शन रखा है और यहाँ बुलाकर जो मान और इज्जत बख्शी है उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ. द कोरियोग्राफर संदीप एंड डॉक्टर मेहता और राजेश जो मेरा छोटा भाई है. टुडे आई रियली फील प्रिविलेज टू बी अमंगस्ट ऑल ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट. मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइफ के अंदर जब भी एक छोटा बदलाव आता है तो वो बदलाव आपको कामयाबी की तरफ लेकर चलता है और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक छोटा बदलाव लाना चाहिए. भले ही ये अवार्ड फंक्शन ब्रिलियंट अवार्ड्स आज सिर्फ दो साल जैसे कहते हैं दो साल का यंग अवार्ड है, लेकिन एक समय आएगा जब दो साल के साथ 21वां यानी कि और 19 साल गुजर जाएंगे तो 21वां अवार्ड भी होगा. आज के दिन मैं बहुत अच्छे लोगों से मिला, अवार्ड देने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और अवार्ड लेने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है. तो उसके लिए मैं फिल्म टुडे का, इंडिया फाइन आर्ट्स काउंसिल का और ब्रिलियंट अवार्ड्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जो भी आप लोग सपने देखें, मैं अपने यंगस्टर से कहना चाहूँगा खुली आँखों से देखें, क्योंकि जो इंसान खुली आँखों से सपने देखता है वो जीवन की हकीकत को समझता है और मंजिल को पा लेता है. मैं एक शेर कहना चाहूँगा जो कई मर्तबा मैंने कई जगह कहा है. राजेश, जिस तरह तुमने तरक्की की है लाइफ में, आई फील वेरी हैप्पी. और इस शेर के अंदर ही सारा जो एक एसेंस छुपा होता है वो है, कहते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, रगों में दौड़ता हुआ खून चाहिए, आएगा आसमां भी ज़मीं पे, बस इरादों में फतेह की गूंज चाहिए. तो जब तक ये नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है. सो मैं इस नोट पे इतना कहना चाहूँगा कि होली का त्यौहार भी कल ही बीता है, तो जिस तरह से होली का त्यौहार हम कहते हैं कि अनेकता में एकता लेके चलते हैं, तो हमारी इस इंडस्ट्री आज दो साल के बाद अवार्ड्स फंक्शन होने शुरू हुए हैं. अनेकता में एकता, जहाँ जात पात धर्म नहीं देखा जाता है, सिर्फ कलाकार और कलाकार की योग्यता देखी जाती है. तो हम सब मिलकर इस साल एक प्रण लें कि हम अपने देश को अपनी कला के माध्यम से अपने आप को समर्पित करके कुछ और बेहतर करने का कोशिश करेंगे. जैसे राजेश हैं, अपनी मैगजीन फिल्म टुडे के माध्यम से बेटर करने का कोशिश करेंगे. तो कोरियोग्राफर माय डियर संदीप और इसके अलावा डॉक्टर मेहता हैं, वो लोग अपने इस अवार्ड्स के द्वारा एक यज्ञ में अपनी आहुति डालने की कोशिश करेंगे. सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड आई होप दैट द नेक्स्ट ईयर दिस अवार्ड विल बी फार बिगर एंड ग्रेटर. और मुझे सौभाग्य मिलेगा आप सब लोगों को दोबारा मिलने के लिए राजेश के साथ और सभी डिस्टिंग्विश मेहमानों के साथ और विजेताओं के साथ. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं बस सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन में आज जो इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल जो इवेंट हो रहा है, ये हम लोग पहले भी करते रहे हैं और एक अच्छा एक मंच है नए नए आर्टिस्टों को प्रमोशन के लिए. तो काफ़ी हम लोग 2019 से पहले बहुत इवेंट करते थे, अभी कोरोना में नहीं हुआ तो अभी फर्स्ट इवेंट हो रहा है. और मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय धीरेज कुमार सर का, जिन्होंने मुझे बरसों से मतलब मेरे स्ट्रगल, तो आज भी स्ट्रगल ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बहुत भयानक स्ट्रगल से के दौर से गुजर रहा था. उस समय सर का मेरे सर पे बहुत बड़ा हाथ रहा है, हमेशा उन्होंने मेरा मान सम्मान बढ़ाया और मैंने कभी भी एक बार भी निवेदन किया कि सर यहाँ पे आना है, तो सर बिना संकोच, कितनी छोटी जगह हो कोई बड़ी जगह हो, उनका हाथ जो है मेरे सर पे रहा. तो सर का बहुत बहुत हमेशा आभार करता. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू राजेश, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली. और मैं कभी नहीं भूलता कि हर शक्ति के पीछे एक नारी शक्ति होती है जी, जी. और आज तुम्हारी धर्म पत्नी, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, तुम्हारी पत्नी की शक्ति तुम्हारे साथ है. मैं समझता हूँ यही एक कारण है कि तुम साल दर साल तरक्की कर रहे हो. तो कहते हैं उस नारी शक्ति को जीवन में कभी ना भूलोगे और ना कभी भूलने की कोशिश करोगे. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. जैसे आज का इतना अच्छा कार्यक्रम था, अच्छी अच्छी महान हस्तियाँ थी यहाँ पे, और जो IFAC है वो अपने आप ही एक
यू नो फाइन आर्ट्स का क्या कहते हैं एक झंडा है, बहुत अच्छा झंडा है। और ये जो प्लेटफॉर्म दिया है हरीश जी ने तैयार किया है सब एस्पायरिंग बच्चों के लिए, जो भी आर्ट से हो जो भी फील्ड से हो, ये एक प्रोत्साहन है। और हम सब जितने यहाँ खड़े हैं, जो आए थे, धीरज जी आए, अच्छे अच्छे महान हस्तियाँ आई, तो बस यही कहेंगे कि जुड़ते चले जाओ और ये काफ़िला हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। आर्ट इज़ इट्सेल्फ अ ब्यूटी, यू नो, इन इट्सेल्फ। सो वी वुड लाइक टू ब्यूटिफाई इट मोर एंड मोर विद वंडरफुल पीपल। ऑल ऑफ यू कीप विनिंग, कीप शाइनिंग, एंड वी आर ऑलवेज विथ यू। कंग्रेचुलेशंस हरीश जी, आई एम अ प्राउड जनरल सेक्रेटरी ऑफ IFAC, एंड थैंक यू सो मच फॉर यू नो गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एज अ फैशन डिज़ाइनर एंड एज व्हाट डू आई से मोटिवेशनल स्पीकर, एंड इट्स अ बिग लिस्ट, बट एनी वे कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। वी ऑल आर विनर्स, ईच वन हैज अ यूनिक आर्ट एंड यू नो यूनिकनेस इन देम सेल्व, सो प्लीज शाइन, ब्रिंग इट आउट, एंड वी आर हियर टू हेल्प यू। सो IFAC रॉक्स, एंड प्लीज सपोर्ट अस, थैंक यू सो मच। सूरत पहल है राजेश का और हमारे हरीश मेहता साहब का। एक कलाकार और एक आर्टिस्ट होने के नाते जो मैंने ये देखा आज यहाँ आके, इन्होंने ये जो शुरुआत किया है, ये एक आर्टिस्ट जो भी आने वाले कल को जो हम देखते हैं कलाकारों के लिए इस तरह का प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि कलाकार हर घर में कलाकार है, लेकिन जब तक इस तरह का इवेंट जैसे ये ब्रिलियंट अवार्ड और भी कई सारे, ये तो शुरुआत है, ये प्रोत्साहन मिलना बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं देंगे तो जैसे फूल मुरझा जाता है तो कला मुरझा जाती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, राजेश तो हमारा बचपन का मित्र है, उनको मैं हमेशा इनक्रेज यही करता हूँ कि जो चलता रहा वो कलाकार हो गया, जो ठहर गया वो बेकार हो गया। तो इसके लिए प्लीज़ हरीश जी और राजेश जी, हम दोनों को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और इसी तरह चलते रहें, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, है ना, सबका साथ सबका विकास। थैंक यू सो मच। मैं संजीव निगम, और आज के ये जो इंडियन फाइन आर्ट्स काउंसिल ने जो ये ब्रिलियंट अवार्ड्स फंक्शन किया है उसमें शामिल होकर बहुत खुशी हुई। क्योंकि जिस तरह से प्रतिभाओं को, टैलेंट को इन्होंने मोटिवेट किया है इस अवार्ड्स के थ्रू, ये बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में। जिस समय के लोगों को ज़रूरत होती है कि किसी न किसी तरीके का मोटिवेशन मिले, कोई ना कोई एनकरेजमेंट मिले, तो मैं भी वही कहना चाहूँगा कि राजेश श्रीवास्तव और हरीश भाई ने, इन दोनों ने ये जो एफर्ट की है आज के इस प्रोग्राम के लिए, इतने सारे अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को, टैलेंट को इकट्ठा किया, उनको यहाँ पर सम्मानित किया, इसके लिए इंडियन फाइन आर्ट्स काउंसिल और राजेश श्रीवास्तव, हरीश मेहता जी, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं राजेश जी को और हरीश जी को शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे अपने इस अवार्ड फंक्शन में बुलाया और एक अवार्ड से सम्मानित किया। कलाकारों के लिए काम करते रहना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर बीच बीच में हमें अवार्ड मिले, हमारे काम की सराहना की जाए, तो हमारे अंदर एक नया जोश बढ़ जाता है और हम ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। और हम कलाकार थोड़े से अवार्ड के भूखे होते हैं, तो इन्होंने ये ब्रिलियंट अवार्ड चालू किया है, ये पहला साल है, और मैं इन लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ कि ये अवार्ड चलता रहे, बहुत बड़ा अवार्ड बन जाए। ये जब मैं चाइना गया था फॉरेन के अंदर, वहाँ मैंने देखा कि इंडियन आर्ट और कल्चर की बहुत, सिर्फ चाइना में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडियन आर्ट कल्चर की बहुत अहमियत है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो वहाँ से जब मैं इंडिया आया तो मुझे, मेरे दिमाग में एक आया आइडिया आया, इंस्पिरेशन मिला, इंस्पिरेशन मिला मुझे। मैंने देखा कि इंडियन आर्ट और कल्चर को पूरे विश्व में, पूरे विश्व के अंदर उसको, इसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। सुना तो बहुत बार था लेकिन पहली बार देखा मैंने। तो वहाँ से जब मैं इंडिया आया तो वहाँ से मुझे ये एक इंस्पिरेशन मिली कि मुझे कुछ आर्टिस्टों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने इसकी शुरुआत की इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल के नाम से, और फिर बाद में संदीप सोपरकर जी से के साथ मिल के उनको पूरा मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, तो उन्होंने ये, उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और ये ही एग्रीड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल।
और बाद ये जो मेन मकसद है उसका आर्टिस्टों को प्लेटफॉर्म देना, उनको उनके आर्टिकल को और इनके इंटरव्यू को छापना, हमारे जो मैगजीन है उसमें लीगल एडवाइस भी देना। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन समझो ऐसा कोई लीगल डिस्प्यूट हो गया तो उसको एडवाइस भी दिया जाएगा। और साथ में ये दो तीन साल के अंदर बहुत सारे हमने प्रोग्राम किए, कहीं हम सपोर्टर बने, कभी कहीं हम प्रेजेंटर बने, और इसको ध्यान में रखते हुए आज इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल ने ये आर्टिस्टों को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड फंक्शन रखा और इसी तरह हम आगे भी अवार्ड देते रहेंगे। कितने अवार्ड दिए आज? जी, ये ब्रिलियंट अवार्ड इस मेरे दिमाग में आया, ये ब्रिलियंट अवार्ड इंस्पिरेशन मुझे मिला कि ये नाम इसका ब्रिलियंट अवार्ड होना चाहिए। और हम लोग ने जो जिन लोगों को हमने अवार्ड दिया बिल्कुल ब्रिलियंट है, जो अवार्ड दे रहे हैं जिन्होंने ये बनाया वो भी बहुत ब्रिलियंट है। आपकी वजह से हमारी ब्रिलियंट सी और चमक गई, तो ये जिनको भी हमने अवार्ड दिया वो ब्रिलियंट लोग को दिया, और ये बहुत खुशी हो रही है हमको कि हमने जो भी जिनको भी दिया वो एक अपने फील्ड के महारथी लोग हैं सब, और आगे भी इस तरह से हम लोग अवार्ड देते रहेंगे। और इनका आप लोग जैसे का आर्टिस्टों का हमको सपोर्ट चाहिए और उसको हम आगे हम इसको लेके जाएंगे। टोटल इसमें 17 अवार्ड थे, कहीं पुणे से आए, कोई भोपाल से आए अवार्ड लेने के लिए, कोई कहीं महाराष्ट्र के एक प्लेस से आए, और बाकी के जो लोग हैं बॉम्बे से आए, और क्योंकि कुछ लोग और ज़्यादा आने वाले थे इंडिया में से, बट अभी बच्चों लोग की एग्जाम चल रही है 10th और 12th से, तो दे वर नॉट एबल टू कम, बट उन्होंने हमारे को बेस्ट विशेस दिया है और हम भी उनको एनकरेज करते रहेंगे फ्यूचर में। जी, धीरज कुमार जी एक बहुत फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम है, और वो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। और संदीप सोपरकर तो हमारे चेयरमैन हैं, तो फिर भी उनकी डेट की क्लैश हो रही थी, लेकिन फिर भी कहा कि हमारा खुद का इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल हमारा खुद का है, तो मैं जरूर आऊँगा करके। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरी वन, राजेश भाई से लेके सबको आई एम वेरी ग्रेटफुल। मेरी जो टीम है शुभ मल्होत्रा जी वगैरह, वो वेल नोन फैशन डिजाइनर है, तो ऐसा मुझे ग्रुप मिला है तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। थैंक यू सर। पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी ये जो IFSCA है इनको, राजेश जी और हरीश जी को, जिन्होंने यहाँ हमें इनवाइट किया है, और जितने भी इंडिया के जो फ्रेशर्स है जो वर्क कर रहे हैं उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये प्रेजेंट किया था, और आज के हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने बताया कि सपने खुली आँखें से देखो, सीरियसली सपने खुली आँखों से देखना चाहिए तभी वो पूरे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी।